इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, वो पहले ही पहुंच गए थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की लंबी बैठक चली है। ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, कितनी महत्वपूर्ण बैठक है और क्या आज एक लिस्ट तैयार हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, केंद्रीय चुनाव समिति की अब से थोड़ी देर बाद ही बैठक शुरू होगी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे। इसके पहले लगभग 4-4.5 घंटे तक प्रधानमंत्री आवास पर पीएम, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की अलग से बैठक हुई, और जबकि यहां पर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और कोर कमेटी के अलग अलग राज्यों के जो सदस्य है वो बीजेपी मुख्यालय में इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही गृहमंत्री पहुंचे हैं और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की, और ये काफी महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। और जिस तरह से वहां पर कोर कमेटी के अलग अलग राज्यों के आए हैं, तो कई राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर पहले ही चर्चा हुई। अंतिम मुहर इस सीईसी की बैठक में लग जाएगी, लेकिन जो बैठक चली है 4-4.5 घंटा प्रधानमंत्री आवास पर, वो इस बैठक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसमें अंतिम रूप दिया गया होगा और उस पर केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लगेगी। तो माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के अधिक सीटों पर हो जाएगा, उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर भी, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा की कुछ सीटों पर होगा, त्रिपुरा के सीटों पर होगा, राजस्थान मध्य प्रदेश की भी कुछ सीटों पर होगा, और इसके अलावा जो राज्यसभा से जो मंत्री रहे हैं और जिनको लोकसभा चुनाव लड़ना है उनके नाम पर भी मुहर लगने की संभावना है। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संभावना जताई जा रही है कि 150 से 200 के बीच में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा सकती है। जी, यानी रविंद्र, आप ये बता रहे हैं कि आज बैठक हो रही है, इस बैठक में फाइनल हो जाएंगे नाम और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब ऐलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि जो बैठक आज होगी उसमें अधिक बहुत से ज्यादा, कम से कम जैसा कि मैंने कहा कि जिन राज्यों के कोर कमेटी के यहाँ पर सदस्य मौजूद है, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, त्रिपुरा भी इसमें शामिल है, वो यहाँ मौजूद है। तो इन राज्यों के अधिक सीटों पर चर्चा भी होगी और कुछ उत्तर प्रदेश के कम से कम पश्चिमी यूपी के अधिकांश सीटों पर मुहर लग जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि कल संभावना जताई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहली सूची का ऐलान होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं का नाम भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र कुमार आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो रविंद्र ये जानकारी दे रहे हैं कि आज लगभग 150 के आसपास नाम फाइनल हो सकते हैं और 150 से 200 की जो पहली लिस्ट है वो कल बीजेपी की तरफ से आधिकारिक रूप से जारी की जा सकती है। Z News.